तो आपका भी यूट्यूबर है, यूट्यूब पे है ना आपका भी यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, ब्लॉगर है तू। मेरा पूरा तो चलता है, तुम्हारा पूरा तो कौन देगा? बहुत टाइम लगा दिया, लगभग 9-10 दिन लगा दिया ना। ले भाई पकड़, तू 9-10 दिन लगाने दे वो तो गाइस फाइनली जो है अपना आईफोन 15 अपने हाथ में आ गया है, तो देखते हैं अभी इसको चालू करके। नमस्ते, हिंदी में लिखा है मेड इन इंडिया ना। तो गाइस तो ये मैंने मंगवाया था अमेजोन से, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। कितना पड़ा था इसका? कुछ 600 रुपये पड़ा था। हाँ लेकिन है ये महंगा थोड़ा सा, लेकिन सेल में मिला था मुझे डिस्काउंट पे। ये देख सकते हो आप, ये देख लो, ये इसको भी खोलना पड़ेगा। ये पे लिखा हुआ है जी राइनो 6D फॉर आईफोन 15। ये भी देख सकते हो फॉर आईफोन 15। मेरा मोबाइल जो 10 दिन के बाद आया, लेकिन 10 दिन पहले मेरे पास ये बैक कवर, टेम्परा ग्लास, ये सब आप पहले पहुंच गया था मेरे पास, और 10 दिन के बाद मोबाइल आया, ये देख सकते हो। और ये सब स्टिकर्स है, ये सब छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, और इसको खोलते और लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे अपना टेम्परा ग्लास चढ़ेगा, ये मेरा फेस तो दिखा ना यार, खाली मोबाइल ही दिखाया क्या? इसका तो अपना भी लिखा है 1500, लेकिन ये मिला था मेरे को 600 रुपये में अमेजोन का, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से। और मैंने ये बैक कवर भी दिया था, ये भी 1500 का है, आप देख सकते हो, ये है इसका कवर, ये भी 1500 का है, और ये मुझे मिला था 430 या 440 रुपीज में। और मोबाइल तो आज आ गया है, अभी लगाएंगे तो टेम्परा ग्लास लगाएंगे, बैक केस डालेंगे, और उसके बाद बाहर निकल जाएंगे वीडियो शूटिंग के लिए। इसका टेस्ट करेंगे, दिखाएंगे आपको कैसा रहता है इसका क्वालिटी। ये मैंने यहाँ पे चार्जर कनेक्ट कर दिया है, ये मेरा पुराना जो आईफोन का एडाप्टर है वही मैंने यूज़ कर रहा हूँ, अभी बढ़िया कंडीशन में है। और ये वायर है मिला है मुझे बॉक्स के अंदर, ये वायर टाइप सी टू टाइप सी, और यहाँ पे आईफोन का सेटिंग्स हो रहा है। अभी बाहर जाएंगे टेस्ट करेंगे इसका कैमरा क्वालिटी कैसा क्या है। Hey guys, good evening. Welcome back to a brand new video with my brand new iPhone 15. तो हम लोगों का सर आया खेम, खेम को दिखा देना, हाय बोल दे खेम। सुरन से, सुरन है मेरा भाई है, और फाइनली हम तीन लोग अभी आए हैं डोनापोला, जो जहाँ पे बहुत सारे मूवी का शूटिंग हुआ था, खासतौर के सिंघम यहीं पे शूटिंग हुआ था। तो आपको लेके जाएंगे अभी, शायद टिकट विकट करना पड़ेगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है विथ माई ब्रैंड न्यू आईफोन 15, और ये वीडियो भी आप देख रहे हो बहुत ही ब्रैंड न्यू है, क्योंकि मैंने लगभग 3 महीने से वीडियो नहीं बनाया था, आफ्टर 3 मंथ्स है। ये सारे कपड़े का मार्केट है इस तरफ, ये पूरा वहाँ से लेके, और आपको पीछे ही मिलेगा वाटर स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन। और यह सामने है, आप देख पा रहे हो उधर टिकट काउंटर वगैरह है, यह से टिकट लेना पड़ेगा, और बाद में होगा एंट्री जो डोनापोला व्यू पॉइंट है। अभी टाइम देख लो आप, ये 3:10 हुआ है, और ये नज़र है कुछ इस प्रकार का लोगों का। अभी टिकट लेते हैं यार, तो अभी टिकट निकालते हैं पहले, 3 लोगों का 3 टिकट चाहिए हमें। अभी हो गई, टिकट मिल गया हम लोगों का 3 लोगों का, ये देख सकते हो आप। हम लोग एंट्री कर सके अभी डोनापोला जेटी में, डोनापोला जेटी है ये, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, और खास तरह से ये टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे
बहुत ही प्यारा लगता है। अभी पीछे का व्यू थोड़ा दिखा, पीछे भी दिखा दे थोड़ा सा, पीछे भी दिखा दे, इधर आगे भी दिखा दे, आगे भी दिखा दे, आ जा आ जा, वीडियो बनने होना चाहिए। तो गाइस ये है नया, ये जो रेनोवेशन किया था अभी पिछले साल ही, तीन साल से बंद था, तो तीन साल के बाद ये पूरा रेनोवेशन करके इतना बढ़िया, इतना शानदार तरीके से बनाया गया है। तो आगे आगे दिखाता हूँ, मेरा लुक्स कैसा लग रहा है। ये देखिए नजारा देखिए थोड़ा, ये जो स्पॉट है ना, ये बहुत खास कर बहुत पुराना पुराना याद दिलाता है। पहले तो ऐसा ना था, अभी रेनोवेशन करने के बाद में अभी कुछ इस प्रकार का बना है, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। और पहले पहले तो वहाँ पे जा सकता, हाँ पहले तो वहाँ पे भी जा सकता था, लेकिन अभी अलाउड नहीं है। अभी यहाँ से जो है पूरा अरेबियन सी का जो व्यू है, तो यहाँ से मिल जाते आपको। और यहाँ से जो है अरेबियन सी का जो व्यू है, नज़ारा है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हम ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे और दिखाएंगे आपको। आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो नया ब्रांड न्यू आईफोन 15 है, इसका जो फुटेज है, वीडियो क्वालिटी है, कैसा आ रहा है निकल के ये देख लो। कुछ ये बैठने का ऐसा सिस्टम बनाया गया है, यहाँ पे भी तरह तरह के लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है वॉच योर स्टेप्स, यहाँ पे कुछ नोटिस लगा हुआ है, अनऑथोराइज्ड पर्सन्स नॉट परमिटेड बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो ये आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है। तो कुछ डेंजर जोन का भी पोस्टर यहाँ पे है, ये देख सकते हो, नो स्विमिंग, डेंजर फॉलिंग स्लिपरी सरफेस, नो सेल्फी इन दिस एरिया। क्या बात है, गजब का लोग है, गजब, बहुत ही शानदार है। थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा, हाँ थोड़ा अभी दिखाएंगे आपको यहाँ से, ऊपर जाके नीचे का दीजिए, हाँ कैमरा मैन फोकस करेंगे, ये देख लो, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। चलो अभी यहाँ से ऊपर जाते हैं, तो अभी जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर। हम लोग तीन साल के बाद यहाँ पे आए, तीन साल के बाद बहुत ही हम लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक स्पॉट है जहाँ पे आप मतलब सेल्फी वगैरह बहुत ही शानदार से निकाल सकते हो यहाँ से। व्यू देखिए नीचे, आप नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी रहना पड़ेगा। नहीं नहीं शायद अभी अलाउड नहीं करेगा नीचे जाने के लिए, क्योंकि पूरा बाउंड्री लगा हुआ है। लेकिन यहाँ से ही जो है ये नज़ारा का जो आप आनंद उठा सकते हो यहाँ से ही। थोड़ा इधर से थोड़ा नज़ारा दिखा दो यार, इधर का नीचे का पूरा, ये देखिए ये नज़ारा जो है ये आपको किधर भी नहीं मिलेगा। हाँ ऐसा नज़ारा आप कहीं नहीं मिलेगा। आप सिंघम मूवी में ये देखा होगा, ये जो प्लेस है सिंघम मूवी में आपको देखा होगा आपने, तो यहीं से जो गाड़ी पटकाया था अजय देवगन ने। क्या बात है, तो ये देख सकते हो अभी बिल्कुल टॉप में हम लोग, बिल्कुल टॉप पहुंच गए अभी। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देख लो। ये पूरा पहले सराउंडिंग दिखा रहे थे, ये पूरा सराउंडिंग दिखा रहे थे पहले, उसके बाद दिखाएंगे। यहाँ पे भी ये फोटो शूटिंग वगैरह यहाँ पे हो रहा है लोगों का, लोग मतलब यहाँ पे सेल्फी लेते हुए। अभी थोड़ा सा धूप के कारण थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन हवा तो चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा। आपको मालूम है ये स्पोर्ट जो वरुण धवन का पिक्चर था ना, इसमें झाड़ू से मारता था। कौन सा मूवी था वो? ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो यही पे शूटिंग हुआ था।
यहाँ पे मतलब आप गिनती नहीं कर पाओगे कितना सारा मूवी का शूटिंग होता है यहाँ पे। जो जो नहीं रे ये तेरा ये शाहरुख खान के साथ है ना। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो यहाँ पे भी ये शूटिंग हुआ था। एक सीन यहाँ पे भी हुआ था। ऐसे तो फेमस तो सिंघम का प्लेस है ही है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मूवी का यहाँ पे शूटिंग हुआ था। बहुत सारी मूवी ये देख सकते हो। ये कुछ इस प्रकार का स्टार बना हुआ है। तो घूम लेते थोड़ा सा, आपको भी दिखाते हैं। ये देख लो शाहरुख खान का आपके लाइफ। हाँ इधर ही सीन था ना वो शाहरुख खान का। हाँ कौन सा ये वाला? अच्छा यही है इसका स्पॉट। अच्छा यही स्पॉट पे हुआ था शाहरुख खान का ना, जैसे हाथ फैलाते है। कौन सा सॉन्ग था वो? गेरुआ सॉन्ग। हाँ गेरुआ सॉन्ग। मतलब ऐसे 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 सीन आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब मिलेगा आगे पे हमारे वीडियो के थ्रू। तो आप मतलब यकीन नहीं करोगे। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। एक बार हाई बोलो ना कैमरा में। हेलो गाइस ऐसे बोलते। हेलो गाइस। हेलो गाइस बोलना। हेलो गाइस मेरा नाम है। क्या नाम है? वेदांत। तो मैंने वेदांत भाई से भी मिल लिया यहाँ पे आके। चलो एंजॉय करो, एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो। ये देख लो आप, ऊपर से कुछ इस प्रकार का दिखता है ये। जैसे हमने आए यहाँ से ऐसे होके गुजर के इसे ऊपर तक पहुँचे। कैसा लग रहा है? अरे मेरे को बहुत इतना सुकून मिल रहा है ना, इतना मस्त नेचुरल लग रहा है हवा जो आ रहा है। पर आपको फीलिंग कैसा है बोलो सर? अभी तो मुझे तो यार क्या बताओ, मेरा तो दिल गार्डन नहीं आ रहा है। दिल गार्डन लाजवाब है। कोई कंपैरिजन नहीं है। सुरन को कैसा लगा? एक बोल दे कुछ। क्या बोलेंगे, बहुत ही अच्छा। इससे थम्स अप। तो गाइस यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा आके थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के चिल कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत यहाँ पे फोटो वोटो खिंचा लिया हमने इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम के लिए तो आप इंस्टाग्राम का जो हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जाके वहाँ पर भी देख लो, फॉलो कर लो। ये देख लो आगे स्पीड बोट जेट स्की है ये शायद। तो गाइस आज हम लोगों ने अपना आईफोन का पूरा टेस्ट किया। ये 5x, ये 0.5 है, ये 1x है और ये 2x है। ये 2x किया तो इतना जूम होता है और इससे भी हालांकि जूम होगा और भी ऐसा जूम, लेकिन 2x जूम जो बहुत ही मतलब क्लियरिटी है इसका, बहुत ही क्लियरिटी बहुत अच्छा है। किधर है मछली? किधर है? हाँ हाँ दिख रहा है। क्या बात है, मज़ा आ गया बिल्कुल भाई, पूरा मज़ा आ गया ये जगह में। ये लोकेशन मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आओ, एंजॉय करो, अपना टाइम बिताओ यहाँ पे। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत हमें तो बहुत मज़ा आया यार। आ जाओ आ जाओ, जाने का मन नहीं कर रहा क्या? ये जगह छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा भाई लोग, लेकिन जाना तो पड़ेगा अभी यार, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 2-3 घंटा निकाल लिया यहाँ पे। बहुत ही मजा आया, बहुत ही एंजॉय करा, बहुत सारे फोटो खिंचाए हम लोगों ने। लेकिन जाना पड़ रहा है अभी, क्या कर रहे हैं? जाने का तो दिल नहीं कह रहा है लेकिन जाना पड़ेगा अभी, टाइम बहुत हो चुका है। बहुत ही मजा आया, बहुत टाइम निकाल लिया यहाँ पे हमने, बहुत सारे फोटो खिंचाए अच्छे अच्छे और खूब सारा मस्ती यहाँ पे, खूब सारा। अभी हालांकि और 1 घंटा रुकना था तो सनसेट देखने के लिए मिलता था, लेकिन इतना टाइम अभी है नहीं, दूसरा काम भी है। तो भाई को ड्यूटी भी जाना है तो अभी यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन पैसा वसूल हुआ कि नहीं? 50 रुपीज़ पूरा मैंने वसूल कर दिया। सुरन को कैसा लगा? अच्छा बहुत मज़ा आया ना? मज़ा आया, बस मज़ा ही आना चाहिए। ये हम यह गेट से अभी निकल गए, अभी ये निकल गए और यहाँ पे पानी बोतल सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे ये पोस्टर भी है, ये सिंघम का पोस्टर है। और यहाँ पे काफ़ी सारा हमें फॉरेनर भी देखने के लिए मिल रहा है अभी यहाँ पे, जो फॉरेन टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। इंडियन फॉरेनर देख रहे हैं तो थोड़ा देख सकते हैं आगे थोड़ा। हाँ ये आगे देख लो, ये सारे डोमेस्टिक टूरिस्ट है। ये डोमेस्टिक टूरिस्ट हुआ और आपको ऐसे बीच बीच में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और आगे ये एक रेस्टोरेंट है, करण रेस्टोरेंट एंड बार, ये देख लो। और आके आप भी हमारी तरह, हमारी जैसे आप यहाँ पे एंजॉय कर, क्या हो गया, आप भी हमारी जैसे आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और ये इस तरफ में
आपको मिलेगा वाटर स्पोर्ट्स का ऑप्शन, ये देख लो हाँ, ये सब ये जेट स्की वगैरह है यहाँ पे, जेट स्की है, स्पीड बोट, बनाना राइट है, डॉल्फिन ट्रिप है, और आगे डॉल्फिन ट्रिप, ये हुआ जो अपना जेट स्की हुआ, ये रहा काउंटर, जो भी वाटर स्पोर्ट्स आपको करना है तो यहाँ से आप टिकट लेके, ये जेट स्की राइट लिखा है, जेट स्की राइट 400 पर पर्सन, फैमिली बोट भी है 2000 का, और ये अपना नंबर है अपना ऊपर, और ये काउंटर है, आप काउंटर से टिकट निकाल के आप एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये है अपना जो भी सराउंडिंग है, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह तो है ही, आपको दिखाया मैंने, और इस तरफ आगे भी ऐसा ही रेस्टोरेंट वगैरह आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्या बोलो जो इधर आगे सामने है सर, सामने आप दोनों पूरा व्यू पॉइंट पे हो, थोड़ा सा आगे चले जाओ, एंजॉय। चलो तो आज का जो ब्लॉग है कैसा लगा आप जरूर बताइए हमें, कमेंट करिए। तो अभी आपको ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अपना, अगर नया हो क्या बोल रहे हो कुछ बोल रहे हो, लाइक सब्सक्राइब सके तो, और इंस्टाग्राम भी आ जाओ थोड़ा, हाँ इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, आपको हैंडल दिख रहा होगा सुभाष डेका बोल के, और ये हमारा खेम भाई है वीडियो में, ये मेरा भाई है सुरेंद्र का। चलो वो अभी चलते हैं, अभी आज के लिए इतना ही, अभी आगे और मिलेंगे और भी थामक रहा वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।